सो ये है MG Hector facelift। एक्सटीरियर में अभी जो चेंजेस करे गए हैं, जो कॉस्मेटिक अपग्रेड्स करे गए हैं, इस गाड़ी को और भी ज़्यादा एक बड़ी बल्कि लुक दे रहे हैं। सो यू कैन लुक एट द कार दोस्तों, बहुत ही मस्कुलर एंड बोल्ड लुक आपको मिल जाती है। सबसे पहले फ्रंट में डायमंड मेश ग्रिल दी गई है, बहुत ज़्यादा क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। यहाँ पे सेंटर में कैमरा दिया गया जो कि 360 कैमरा है, साथ में आपको फ्रंट में सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और लोअर साइड आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश, यहाँ पे ADAS के रेडार्स, और ये है फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स। इसके ठीक नीचे फुल LED हेडलैम्प अवेलेबल है, दो प्रोजेक्टर आपको मिलते हैं, एक लो बीम के लिए एक हाई बीम के लिए, और इसके नीचे LED फॉग लैम्प। एंड हेडर में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो ये वाइट कलर विद ब्लैक रूफ यूज़ करा गया है, डुअल टोन कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट वाइट विद द ब्लैक रूफ। इसी के साथ दोस्तों हेडर फेसलिफ्ट में अब आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ये सारे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। एंड साथ में यहाँ पे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, और एक और नया फीचर यहाँ पे दिया गया जो है ट्रैफिक जैम असिस्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गाड़ी को चला रहे हैं, आपकी जो आगे वाली कार है उसकी स्पीड 20, एकदम से उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है, तो आपकी गाड़ी भी जो है ऑटोमेटिकली जीरो की स्पीड पे आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। वो चलनी शुरू होती है आगे वाली गाड़ी, तो ये भी ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको कोई यहाँ पे एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करने की जरूरत नहीं, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चलनी शुरू होती है। तो ये ट्रैफिक जैम असिस्ट का जो फीचर है स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया गया। इसी के साथ बात करते हैं अदर अपग्रेड्स के बारे में, और दोस्तों यहाँ पे आपको 75 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्मार्टफोन से या व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल डेटा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ गाड़ी में अंदर बैठे हुए बहुत सारी चीज़ें इंफोटेनमेंट की जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से ही, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम हो गया, एप्पल कार प्ले, सॉन्ग को चेंज करना, वॉल्यूम इंक्रीज करना, वो सब आप अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो है डिजिटल की तरह भी वर्क करती है। तो फॉर एग्जांपल जो फिजिकल की आप घर पे रख सकते हैं, आपकी जो मोबाइल है वही डिजिटल की बन जाएगी, और उसी मोबाइल के थ्रू दोस्तों आप गाड़ी में अंदर एंटर कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, सारे जो फीचर्स हैं वो आप मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये फिजिकल की और ये है आपकी डिजिटल की। और इसी के साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली को आप यहाँ पे की शेयर करना चाहते हैं, तो उनको फिजिकल की देने की जरूरत नहीं, आप उनको अपनी जो ऐप है उससे ऑथराइज़ कर सकते हैं, तो उनका जो स्मार्टफोन है वो भी की बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वॉशिंग वाला ऐप, उसको ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि वो गाड़ी को सिर्फ लॉक अनलॉक कर ले अपने मोबाइल से, उसके अलावा गाड़ी को स्टार्ट ना करे। आपका एक और फ्रेंड है जो कि गाड़ी चलाता है, तो आप उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं अपने ऐप से ही कि वो गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकता है, एंड अनलॉक लॉक भी कर सकता है, और चला के ले जा भी सकता है। और इसकी टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं कितनी देर के लिए ये फीचर रहेगा, कितने दिनों के लिए रहेगा। तो बहुत ही कमाल के यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, बहुत ही यूज़फुल है ये। और इसके अलावा बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल से भी आप देखेंगे तो MG Hector हमेशा से ही एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मस्कुलर कार लगती है, और अभी भी वही लुक जो है वो कंटिन्यूड है। साथ में जो अलॉय व्हील्स आपको सेम साइज़ के मिलते हैं पहले जैसे, और सेम ही डिज़ाइन दिया गया अलॉय व्हील्स में, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे गए। सो 215/55 सेक्शन टायर दिया गया है, R18 यानी कि 18 इंच का। ग्राउंड क्लीयरेंस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे MG की बैजिंग, साथ में ये है ऑटो फोल्डेबल ORVM, और इसके यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कैमरा जो कि 360 कैमरा का पार्ट है। स्मार्ट कीलेस एंट्री जो है वो इस साइड भी दी गई है, उस साइड भी आपको मिल जाती है, काफ़ी जगह क्रोम फिनिश यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ, बिग साइज़ की रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। और इसी के साथ दोस्तों ये है इस गाड़ी की रियर लुक। तो रियर लुक जो है वो और भी अब स्पोर्टी लग रही है। यहाँ पे आपको एडजॉइनिंग टेल लैम्प मिल जाती है। सो यहाँ पे जो ये टेल लैम्प दिए गए हैं, इट इज़ ब्लेड शेप टेल लैम्प, तो जैसे ब्लेड होता है उस शेप के लिए दिए गए हैं। एंड इसी के साथ आप बम्पर की तरफ देखेंगे तो रियर बम्पर भी जो है वो रीवर्क करा गया, और भी ज़्यादा स्पोर्टी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, जैसे कि डिफ्यूज़र लाइक यहाँ पे फिनिश आपको मिल जाती है। स्किड प्लेट जो है वो वहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलेगी, बहुत ही बिग साइज का बम्पर है। एंड इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कितनी स्पोर्टी एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं। और जो स्पेयर टायर है वो आपको अंडर बॉडी ही माउंटेड मिलता है, तो वो रहा स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील दिया गया। साथ में हेटर की बैजिंग अब आपको पहले से बिग मिलेगी। टेल लैम्प आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स के साथ एडजॉइनिंग, ये नाइट में जो है काफ़ी कमाल की लुक ऑफर करते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ ऐड हो गई है रियर लुक में, वो है ये ADAS की बैजिंग, और यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर एंड आपको रियर में स्पॉयलर भी मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी को अप्रोच करूँगा ये ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाती है, एंड वॉक अवे ऑटो डोर लॉक भी अवेलेबल है। तो ये सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इन सबको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम इंफोटेनमेंट सिस्टम। 3 ब्लिंकर्स के बाद ऑटोमेटिकली बूट विल ओपन। जो लाइट्स हैं यहाँ पे वो आपको LED में मिलती हैं, लाइसेंस प्लेट की लाइट्स। और दोस्तों ये है टोटल बूट स्पेस, काफ़ी मैसिव साइज़ का स्पेस दिया गया, आप देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे हम आराम से फिक्स कर सकते हैं।
ये है पार्सल शेल्फ, और यहाँ पे आपको एक एलईडी लैम्प मिल जाएगा। और इसको उठाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। देन यहाँ पे टूल किट दी गई है, तो जो स्पेस है वो बूट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। एंड जस्ट इस बटन को प्रेस करेंगे टेल गेट क्लोज हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट भी मिल जाती है, सो इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे दी गई है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स भी जो है हेटर में बहुत ही कमाल की अवेलेबल है। एक आपको ईडीएस के साथ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है। आप हाईवे पे चला रहे हैं, एकदम से आपके सामने कोई आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक कर लेगी। इनके साथ पैनिक में ब्रेक नहीं कर पाए, और इंडिया के हिसाब से वैसे भी दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एबीएस ईबीडी दिया गया है, 6 ईयर बैग्स अवेलेबल हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, कई सारे यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले बोनेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे इंजन ऑप्शन में इतना कोई बड़ा चेंज नहीं करा गया, जो आपको पहले इंजन मिलते थे वही यहाँ पे सेम आपको इंजन मिलने वाले हैं। तो 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन अवेलेबल है, हाइब्रिड इंजन जिसे यहाँ पे एमजी कहती है, जो कि माइल्ड हाइब्रिड इंजन है। यहाँ पे 48 वॉट की बैटरी मिलती है, जैसी कार स्टेशनरी पे आती है तो इंजन ऑफ हो जाता है, जिससे माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो वो अवेलेबल है विद मैनुअल गियरबॉक्स। देन आपको 1.5 लीटर सेम पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स एंड सीवीटी गियरबॉक्स दोनों मिल जाता है। देन यहाँ पे दोस्तों 2 लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है, आपको मैनुअल मिल जाता है। तो पहले जैसे सेम इंजन ऑप्शन ही दिए गए हैं। एंड इसके ड्राइविंग पता चलेगा कितनी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करेगी, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी गई होगी इन टर्म्स ऑफ माइलेज, परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनामिक्स एंड सस्पेंशन सेटअप ऑल्सो। और इसी के साथ दोस्तों अब चेक करते हैं हम इंटीरियर्स। तो इंटीरियर से पहले बात कर लेते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो डोर जो है वो बहुत ही वाइड ओपन होता है, और इन एंड आउट आपको प्रॉपर एक एसयूवी वाला मिलता है। तो पता चलता है कि हम एक बहुत ही बिग साइज़ की एसयूवी में बैठे हैं, और जो यहाँ पे ड्राइविंग साइड सीट की जो लुक है, यानी जब आप ड्राइव करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको व्यू मिल जाता है, फुल बोनेट विजिबल रहता है, विजिबिलिटी कमाल की दी गई है। ORVMs की भी जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छी है, और रियर व्यू मिरर की विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। जो फ्रंट सीट्स है, एंड्रोथाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है, इवन जो लोअर बैक सपोर्ट और अपर बैक सपोर्ट है वो भी काफ़ी सही है। यहाँ पे जो साइड बॉल्स दिए गए हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, जो हेडरेस भी है वो थोड़ी आगे की तरफ है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। तो फ्रंट सीट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, कैबिन भी वाइड है, तो हमें एक ओपननेस फील होती है अंदर। अब बात करते हैं रियर सीट के बारे में, जहाँ पे कि आपकी बाकी फैमिली के मेम्बर्स बैठने वाले हैं या फिर आपके पेरेंट्स बैठने वाले हैं। तो रियर सीट में जो इन एंड आउट है वो फ्रंट सीट से भी ज़्यादा ईजी है। तो सेकेंड रो की बात करें तो ये रिक्लाइनेबल सीट दी गई है, मैंने इसको रिक्लाइन नहीं करा, इसको रिक्लाइन करा, आप देख सकते हैं कितना मैसिव यहाँ पे आपको रिक्लाइन मिल जाता है। तो इसको भी मैं रिक्लाइन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आप ऐसे रखते हैं तो जो हेडरूम है वो थोड़ा सा आपको डिसेंट मिलता है, लेकिन आप इसे फुल रिक्लाइन कर लेते हैं तो जो हेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया मिल जाएगा। लेग रूम बहुत अबंडेंस में दिया गया है। देन जो सेकंड रो सीट्स है दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल है, अंडरथाई सपोर्ट यहाँ पे कमाल का दिया गया है, तो इवन यहाँ पे जो 6 फुट के लोग हैं वो भी बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अगर यहाँ पे आपका जो कंफर्ट है वो आपकी प्रायोरिटी है, तो हेडर से बड़ी आपको इस रेंज में गाड़ी कोई भी नहीं मिलेगी। तो फ्रंट सीट्स, रियर सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया, और यहाँ पे जो ग्लास एरिया है काफ़ी सही दिया गया, अगर यहाँ पे एक सनशेड अवेलेबल रहता तो और भी बढ़िया रहता। एंड दोस्तों जो रियर विंडो है वो यहाँ तक ही डाउन होती है, इससे ज़्यादा नीचे डाउन नहीं होती। ऑल्सो अगर आप किसी भी कार का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक करना चाहते हैं, 10 साल तक की सर्विस को चेक करना चाहते हैं, आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका जो ऑन रोड प्राइस है उस पर EMI कितनी बनेगी वो आप चेक करना चाहते हैं, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर्स हमने वेबसाइट पर ऐड करें, ताकि आपके लिए जो कार बाएंगे वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आप जाके अभी के अभी चेक ज़रूर कर लें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप चेक करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स, करते हैं इंटीरियर्स कुछ ऐसी। यहाँ पे आपको कीज़ मिल जाती है MG की, लॉक एंड लॉक एंड टेल गेट स्विच के साथ, स्मार्ट की रिसेंट्री दी गई है, ऑटो फोल्डिंग ORVMs एंड कीज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। कार को स्टार्ट करते हैं, इंजन पुश स्टार्ट बटन, और ये है डैशबोर्ड के लुक। जो इंटीरियर्स है पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, फिट एंड फिनिश क्वालिटी टॉप क्लास यहाँ पे दी गई है। यू कैन सी एम्बियंट लाइट भी अवेलेबल है, 8 कलर। तो डैशबोर्ड पे एम्बियंट लाइट मिल जाती है, फ्रंट फुटवेल पे यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी गई है, इवन डोर पैनल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। और ये है फ्रंट सीट्स की लुक,
सो यहाँ पे 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलेगी। जो को ड्राइवर साइड सीट है वो 4-way एडजस्टेबल, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी सारे फीचर उधर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। बहुत ही वाइड एंड ओपन कैबिन आपको मिल जाता है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स दिए गए हैं, देन आपको यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, और यहाँ से कैबिन की एल्यूमिनेशन हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से टेल गेट ओपन कर सकते हैं। MG की सिल प्लेट, और ये है फ्रंट डोर की लुक, डुअल टोन डोर दिया गया है यहाँ पे, और कंप्लीट लेदर फिनिश यहाँ पे यूज़ करी गई है, जैसे कि लेदर सीट वॉल स्ट्रिप आपको मिलती है, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एंड देन यहाँ पे अगेन ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे भी ट्विटर्स दिए गए हैं, ऑल फोर पावर विंडोज, जितने भी कंट्रोल्स हैं इधर ये सारे एल्यूमिनेटेड है, देन ऑटो अप एंड ऑटो डाउन ड्राइवर साइड पावर विंडो। और अब चेक करते हैं बाकी फीचर्स, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट। सो फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट अवेलेबल है विद कुशन, तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये, अंदर बहुत अच्छा स्टोरेज एरिया मिल जाता है एसी के साथ, यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको परफ्यूम मिल जाती है। सो ये है गाइज इन्वॉल्व की मस्क परफ्यूम, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही मैनली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, मेड इन इंडिया परफ्यूम, यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी कभी विजिट करें involvessences.com पे, यूज कूपन को टीम का डिलाइट टू गेट 10% ऑफ। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे सेंसर्स आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फ्रंट वाले, यहाँ पे ऑटो होल्ड फंक्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो भी स्विचेस यूज़ करे गए हैं, बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं, बहुत ही अप मार्केट फील होते हैं, जैसे ये इको मोड का जो बटन है जैसे लग्जरी कार्स में दिया जाता है वैसे ही फील होता है। एंड देन यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड सीट्स हैं बेसिकली 3 level, और इसका जो फैन का फ्लो है वो भी आपको काफ़ी सही मिल जाता है। यहाँ पे AC मैक्स, यानी कि मैक्स AC कर देगा ये फैन फ्लो मैक्सिमम पे, और यहाँ से हम ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। दीज आर फॉर हैजार्ड लैम्प, और कुछ ऐसी आपको यहाँ पे गियर मिलती है। सो रिवर्स गियर लगाए तो ये है कैमरा, तो कंप्लीट 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 2D व्यू एंड 3D व्यू आप दोनों देख सकते हैं स्लाइड करके ऐसे। एंड यहाँ पे इवन गाइडलाइंस जो हैं दे आर अडैप्टिव, तो गाइडलाइंस को स्टैटिक डायनामिक हम दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलती है, साथ में ये है वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट, और ये है इंडिया का लार्जेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम इन एनी कार। यस, ये है लार्जेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो 14 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड कैमरे की क्वालिटी पहले से डेफिनेटली बेटर हुई है, जो टच रिस्पॉन्स है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, सो टच रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी नाइस। और यहाँ से हम AC को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ से फ्लो आ रहा है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, फैन की स्पीड, टेम्परेचर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर है, प्रीमियम है ज़्यादा। और यहाँ पे आप सारी फीचर्स कार की जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम की तरह वर्क करता है, तो स्प्लिट डिस्प्ले भी आप ले सकते हैं, जैसे हाफ एंड हाफ, यहाँ पे ऊपर नेविगेशन आप यूज़ कर रहे हैं, नीचे आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 languages में ये गाइड करती है, यानी कि जैसे यहाँ से दाएँ मुड़िए, यहाँ से बाएँ मुड़िए, जो भी जैसे पंजाबी हो गया, तुसी पुट्ठा टर्न लिया है तो वापस मुड़िए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ये गाइड करती है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, रेडियो, ब्लूटूथ, नेविगेशन इनबिल्ट, सारी फीचर्स मिल जाते हैं, वेदर आपको ये सपोर्ट करता है आपको, देन यहाँ पे न्यूज़ वगैरह जो है शॉर्ट मीडिया से आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ को सुन सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और थीम स्टोर है, तो यहाँ पे जैसे डार्क थीम मैंने लगाया है, यहाँ पे आप जो है वाइट थीम लगा सकते हैं, थीम यहाँ पे चेंज भी होंगे तो अपडेट आ जाएगा, तो अपडेट थीम को आप करेंगे तो यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। 14 inches का इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, इन्फिनिटी के आपको स्पीकर्स मिलते हैं, 8 speakers, और यहाँ पे कुछ सेटिंग भी अवेलेबल है, सो जनरल सेटिंग, वॉलपेपर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे व्हीकल सेटिंग। सो यहाँ पे एक और बहुत ही कूल फीचर अवेलेबल है, जैसे सनरूफ है आपको ओपन करनी है, तो सनरूफ आप देख सकते हैं कितनी आप ओपन करना चाहते हैं, लाइक 50%, तो 50% आपने ओपन करा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो वॉइस कमांड है वो भी इंग्लिश सपोर्ट करती है, जैसे कि ओपन द सनरूफ वो हो गया इंग्लिश कमांड, वो भी सपोर्ट करेगी, और सनरूफ को खोलिए वो हो गया इंग्लिश कमांड, तो वो भी ये सपोर्ट करेगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना आपको ओपन करना है। और ये आपको लाइव दिखाता है कि कितना ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे लैम्प के कंट्रोल्स, जैसे कि फॉलो मी होम हेडलैम्प जो है उसकी
कितनी देर के लिए आप चाहते हैं, कितनी देर के लिए रहे वो 30 सेकेंड 50 सेकेंड, सो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे कैसे आप करते हैं। एंड देन यहाँ पे एम्बियंट लाइट अवेलेबल है, एम्बियंट लाइट के आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, 8 कलर एम्बियंट लाइट दी गई है। इवन आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी रख सकते हैं, यानी कि सिंगल कलर और यहाँ पे रैंडम कलर 5-6 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हर 1 सेकेंड पे, हर 2 सेकेंड पे, जितने सेकेंड भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड यहाँ पे जो कलर सिलेक्टेड है वो चेंज हो रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। विंडोज़ की सेटिंग मिल जाती है, एंड नॉर्मल यहाँ पे लॉक अनलॉक कब होगा तो वो सारी सेटिंग मिल जाती है। बेसिक सेटिंग सारी अवेलेबल है, और कितना यहाँ पे टेलगेट आप चाहते हैं ओपन हो, 100% ओपन हो, 90 70, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो कमाल की यहाँ पे सारी सेटिंग्स अवेलेबल है गाइस। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, और मल्टीपल फीचर्स ऑफर करते हैं। कंप्लीट आपको लगता है कि एंड्रॉइड फ़ोन ही यूज़ करें, एक बहुत ही बिग साइज का टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स अवेलेबल है, विदाउट कूलिंग फंक्शन, विदाउट एलिमिनेशन, और यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर, और यहाँ पे आपको सारे सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, LED लैम्प दिया गया, ये है सनरूफ के कंट्रोल, ये है ब्लाइंडर के कंट्रोल्स, और दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया पहले जैसे, ये सिमिलर टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। लेफ्ट साइड आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स, MID के कंट्रोल्स, यहाँ पे भी कुछ MID के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, इंजन रनिंग टाइम, डिस्टेंस टू MT, टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट शो करता है। टायर प्रेशर की भी शो करेगा, टायर टेम्परेचर की भी शो करेगा। टायर टेम्परेचर बहुत नेसेसरी है दोस्तों, वो भी ये शो करता है। साथ में जैसे कि आपको स्लीपी फील करे तो उसका आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है, ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। सॉन्ग जो भी प्ले हो रहा है उसका डिस्प्ले मिलेगा, किसी का कॉल आ रहा है यहाँ पे उसका डिस्प्ले मिलेगा। तो कमाल के फीचर्स अवेलेबल हैं। कोई भी डोर ओपन होता है आपको प्रॉपर रिमाइंडर मिलेगा, बोनट ओपन करते हैं उसका रिमाइंडर भी आपको इवन मिल जाता है। एंड एक बड़ी कैबिन देखो, बहुत ही जबरदस्त कैबिन आपको मिलेगा, और ये है रियर डोर की लुक। तो स्पीकर दिए गए हैं, बॉटल होल्डर, यहाँ पे भी कुछ स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे कंप्लीट आपको लेदर फिनिश मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड है, इन्फिनिटी के ट्विटर्स, और ये है रियर सीट्स, यहाँ पे सिल प्लेट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ, और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, यहाँ पे एक LED लाइट, यहाँ पे भी सेम फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, यहाँ पे रियर एसी वेंट, काफ़ी कुछ प्रीमियम फील होता है गाइस। हर एक चीज़ यहाँ पे प्रीमियम फील हो रही है, बहुत ही कैबिन को जो है इम्प्रूव करा गया। एक यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया, और इसके नीचे भी कुछ स्पेस मिल जाता है, और ये है डैशबोर्ड की लुक। और हेटर का जो टेस्ट ड्राइव रिव्यू है, और हर एक मॉडल का जो वॉक अराउंड है, वो भी चैनल पे बहुत ही जल्दी पोस्ट होगा, ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन वगैरह के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।